हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन और रूट्स पे बेसिकली क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और मैं लूंगा, थोड़ा सा मतलब जो केसेस थे उसके हट उससे हट केसेस वाला तो चलो सॉल्व कर लोगे, है ना। काफी क्वेश्चन मैंने दे भी किया उसमें, और हर एक केस पे मैंने भी किया, बट कर सकते हो, सारा कंडीशन दिखा तो कर सकते हो, ठीक है। एक दो मैं उससे हट के ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड ए If a plus a, find a if a plus 2x square, what is a plus 2x square minus 2x plus 1 is greater than 0 for every x belongs to, मैं याद होगा लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें ये a क्वेश्चन फॉर एवरी x belongs to r, है ना। इस बार मैं r ना लेके यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई क्लोज टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करो, फाइंड ए इफ ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या होता है। देखो, यदि ये क्वेश्चन होता कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव कर देते, है ना। बट ये क्वेश्चन नहीं बोला, वो बोला फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू इनफिनिटी, मतलब यहां जीरो यहां फाइव, फाइव के आगे के लिए और फाइव के, है ना, यहां या यहां से आगे के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फिर से मुझे एक केस तो ये भी लेना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि x log ये क्वाड्रेटिक ना हो और x log to 5 to infinity के लिए हमेशा पॉजिटिव वाली, है ना। तो केस 1 देखो, पहले तो केस 1 व्हेन द गिवन inequality is not a quadratic, is not a quadratic, ठीक है। That is a plus 2 क्या होता है, 0, तो a बराबर minus 2 होता है, a बराबर minus 2 होता है, ठीक है। तो a बराबर minus 2 यदि वहां रख देंगे तो ये expression क्या हो जाएगा, minus 2x plus 1 is greater than 0, 2x minus 1 is less than 0, 2x is less than 1, मतलब x is less than half, ठीक है। मतलब क्या है कि x less than half के लिए ये expression positive है, but वो क्या चाहता है, 5 से बड़े के लिए positive है, तो ये answer नहीं हो सकता। मुझे x less than half के लिए positive नहीं चाहिए, मुझे x 5 से बड़े के लिए positive चाहिए, तो नहीं आया, मतलब a की value minus 2 नहीं हो सकता। So a is not equal to, a is not equal to minus 2, ठीक है, a minus 2 नहीं हो सकता। तो दो केस रहेंगे, एक तो a minus 2 और दूसरा जब ये quadratic रहे, ठीक है। तो केस 1 तो खत्म हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। सोचो कि वो चाहता है 5 के आगे के लिए
ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए क्या? यदि मैं ऐसा पैराबोला ले लूंगा तो क्या ये हमेशा 5 के आगे के लिए कभी भी पॉजिटिव होगा? मतलब इस केस के लिए होगा, बट इस किधर तो नहीं ना पॉजिटिव है। मतलब 5 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी एक्स हो और ए निगेटिव वाला पैराबोला ले लोगे तो क्या पॉसिबल है? यदि ए निगेटिव हो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हो तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। मतलब किस कुछ एक्स के लिए हो सकता है बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि फॉर ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन टू बी ग्रेटर देन, फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो गिवन, ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी एन अपवर्ड पैराबोला। इट शुड बी एन अपवर्ड पैराबोला, इट शुड बी एन अपवर्ड पैराबोला। दैट इज अपवर्ड पैराबोला होने का मतलब ए प्लस टू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? मतलब ए ग्रेटर देन माइनस टू होना चाहिए। मतलब अब जो मेरा आंसर आएगा वो इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ही नहीं, वहां पे तो लेस देन जीरो आता है ना? तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इसलिए ये अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ए ग्रेटर देन माइनस टू होना चाहिए। मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो इसके साथ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना? पहली बात एक एक करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो जो भी मेरा आंसर होगा वो इसके साथ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है? ठीक, यहां नोट कर लो, ठीक है? अब मैं पॉसिबल ग्राफ्स पर कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 के बड़े के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो देखो 5 से बड़े के लिए पॉजिटिव, ठीक है? मतलब ए पॉजिटिव वाला केस मैं रखा, निगेटिव होगा नहीं तो मैं उस पर क्यों बात करूं, है ना? मैं इस 5 को शिफ्ट करते जा रहा हूं। मतलब एक्चुअली ऐसे करना चाहिए, एक ऑर्डर में यदि करोगे तो कोई केसेस मिस नहीं होगा। पहले तो मैं ये केस बनाती हूँ इसमें 5 नहीं भी हो, है ना? फिर मैं एक बार 5 को इस रूट के इधर रखा, एक बार मैं इस रूट पे रखा, एक बार मैं इसके बीच में रखा कहीं, ठीक है? ये 4 केस। पांचवा केस यदि बनाओ तो यहां रख दो, ठीक है? तो ऐसे लिख लो ए बी सी डी ई और एफ जो है यहां। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? ये तो मैं पॉसिबल केसेस बना, ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अच्छा अब 5 से इंफिनिटी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए तो ये केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है। ये कौन सा केस है? जब दोनों रूट 5 से छोटा है, ठीक है? एक रूट 5 हो जाए तो यहां पे तो 0 आ जाए, बट वो बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यहां पे तो ये तो नेगेटिव आ गया, है ना? ये भी केस पॉसिबल नहीं है। यहां पे 5 के आगे ये भी निगेटिव आ गया, मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। और यहां पे पॉजिटिव भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है, मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो क्या केस पॉसिबल है? ये दो केस, एक तो उसके रियल रूट्स ही ना हो, तो
तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा एक केस से। दूसरा रूट्स हो, यदि रूट्स है तो वो क्या होना चाहिए, दोनों रूट 5 से छोटा होना चाहिए, ये दो केस पॉसिबल है ना। तो मेरा ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। मिटा दे इसको, तो जो जो केस पॉसिबल नहीं है मैं उसको मिटा देगा। ठीक है, तो कौन कौन सा केस पॉसिबल हुआ, इसका मतलब कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल और ए जो है वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। और ये कौन सा केस है, ए पॉजिटिव तो होना ही चाहिए एंड रूट्स आर लेस देन 5, रूट्स जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। ये दो पॉसिबल केसेस है ना। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, जो मैं तुम्हें 5-6 केस पढ़ाया था वो 2-3 केस को एक साथ कह सकते हो कि मिक्स करके प्रॉब्लम बना दिया है, है ना। ये भी मैं तुमको पढ़ा चुका हूं कि बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर से 5, है ना, और यहां पे रूट्स रियल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो डी, रूट्स रियल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए तो सिंपल सा एक कंडीशन है कि डी लेस देन 0। ठीक है, और इसके लिए रूट्स लेस देन 5 के लिए कंडीशन क्या क्या है, a into f of 5, है ना, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तीसरा वर्टेक्स माइनस b by 2a जो है वो माइनस b by 2a जो है 5 से छोटा होना चाहिए, और a तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। यदि a पॉजिटिव नहीं रहा होगा तो ये केस तो नेगेटिव वाला, मतलब इसका उल्टा केस भी तो हो सकता है, बट वो मेरा आंसर नहीं, मतलब ये तो दोनों में होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखिए, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नोट कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब जो a ग्रेटर देन 0 लिए हैं, ये तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हम जो भी केसेस बात कर रहे हैं वो a ग्रेटर देन 0 के लिए ही बात कर रहे हैं। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग ही होना, मतलब अपवर्ड पैराबोला ही होना चाहिए, है ना। और उसमें बेसिकली दो केस आया, क्या अब समझने की कोशिश करो, जब a ग्रेटर देन 0 था तो उसमें दो केस आया, एक तो ये केस एंड एक ये केस, मतलब ये भी केस तुम्हारा आंसर है एंड ये भी केस तुम्हारा आंसर है। ठीक है, या देखो एंड तो मतलब ये भी केस आंसर है या ये भी केस आंसर है, मतलब ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों आंसर है तुम्हारा, है ना। और कंडीशन क्या है कि ए दोनों में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो केस वन भी तुम्हारा आंसर है एंड केस टू भी आंसर है, मतलब यूनियन, तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा वो केस वन यूनियन केस टू होगा, ऐसा नहीं कि केस वन इंटरसेक्शन, मतलब केस वन इंटरसेक्शन केस टू नहीं होगा, तुम्हारा आंसर ये भी है एंड ये भी है। यदि रूट्स रियल नहीं है तो वो भी तुम्हारा एक आंसर, यदि रूट्स रियल है तो ये सब होना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, और केस वन का इंटरसेक्शन इसके साथ होना ही चाहिए और केस टू का भी इंटरसेक्शन इसके साथ होना ही चाहिए, है ना। तो बेसिकली ठीक है, एक पॉइंट मैंने बोला कि केस वन का इंटरसेक्शन इसके साथ होना चाहिए और केस टू का इंटरसेक्शन इसके साथ होना चाहिए। अब जो केस के अंदर कंडीशन है ये पूरा इसके लिए, तो इन सब का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन, मतलब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो और इन सब का इंटरसेक्शन लो और फाइनल आंसर इज दिस यूनियन दिस, मतलब ये भी एंड ये। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, यूनियन इंटरसेक्शन आना चाहिए, है ना। तो तुम्हारा आंसर क्या है, केस वन भी एंड केस टू। ठीक है, तो मैं पहले केस वन को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो ऐसे लिख लो कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन माइनस टू, ये तो है ही, ठीक है ना। इसके साथ ही मुझे, मतलब इसके बाहर तो हम आंसर दे ही नहीं सकते, इसके अंदर ही आंसर देना है मुझे। ठीक है ना, अब इसमें दो पार्ट है, ए की व्हेन
ये वाला केस, व्हेन रूट्स आर नॉट रियल, तो कंडीशन क्या होगा कि डी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, जब रूट्स रियल नहीं है मतलब डी लेस देन जीरो, और डी लेस देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ठीक है क्या, तो बी स्क्वायर कितना है, अब नोट कर, टू टू जा फोर माइनस फोर ए, ए प्लस टू, और सी कितना है वन, दिस शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है क्या, तो यहां से आ जाएगा क्या, फोर कॉमन ले लो तो वन माइनस ए माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो माइनस ए माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो ए प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये आ गया। ठीक है, नोट कर लो यार, तो इन दोनों का यहां तक हो गया, तो जो तुम्हारा आंसर है वो इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब, तो ए माइनस टू से बड़ा, माइनस टू से, और ए माइनस वन से बड़ा, तो क्या है यहां पे कॉमन, ये यहां पे आएगा ए बिलोंग्स टू माइनस वन टू इंफिनिटी, इसको बोल दो तुम एस वन। ये एक सबसेट ऑफ आंसर, मतलब एक सेट ऑफ आंसर। ठीक है, मतलब ये आंसर तो यदि ये रखोगे इसके बीच में एक कोई भी होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 5 टू इनफिनिटी, एंड कौन सा केस होगा, यहां पे रूट्स रियल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उसी के लिए मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये तो एक सेट ऑफ आंसर हो गया, क्लियर। अब दूसरा सेट क्या है, ये तो है ही है ना, इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है कि, तो केस बी लिख लो, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन फाइव, मतलब कौन सा केस, ये तो कंडीशन क्या क्या था यहां पे, ए इंटू एफ ऑफ फाइव शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 5, और डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है ना, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीन केस, इन तीनों का क्या करना है, ये तीनों और इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, तो एक सेट ऑफ आंसर जो है उसको मैं यहां लिख ले रहा हूं माइनस वन। ठीक है, क्या है, सबसे पहले चलो वर्टेक्स निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन, सॉरी माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन फाइव, वर्टेक्स फाइव से छोटा होना चाहिए, है ना, माइनस बी कितना है, प्लस टू अपॉन टू टाइम्स ए प्लस टू, ठीक है, टू अपॉन टू ए इज लेस देन फाइव, टू से टू कट गया, 1 upon a plus 2 minus 5 is less than 0, 1 minus 5a minus 10 upon a plus 2 is less than 0, so minus 5a or minus 9 upon a plus 2 is less than 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5a plus 9 upon minus से multiply कर दो, तो ये sign of inequality change हो जाएगा, number line पे mark कर लो, ये है माइनस टू, ये है माइनस नाइन बाई फाइव, मतलब माइनस 1.8, मतलब माइनस टू माइनस नाइन बाई फाइव, प्लस माइनस प्लस। ठीक है क्या, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस नाइन बाई फाइव से इंफिनिटी। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिटा दें, अच्छा ये तो चलो, तो इसको मिटा दो, और जो एक सेट ऑफ आंसर है मतलब इसके साथ इसको यहाँ लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस नाइन बाई फाइव से।
वर्टेक्स लिख लिया, आई लव ए इनटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0. ए क्या है? ए प्लस 2. एफ ऑफ के क्या है? एफ ऑफ 5 बेसिकली, है ना? ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ ऑफ 5 25 ए प्लस 50, ठीक है, माइनस 25 टू द 50, सॉरी 5 टू द 10 प्लस 1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो क्या होगा? ए प्लस 2 और 25 ए ये प्लस 41 इज ग्रेटर देन 0. नंबर लाइन में मार्क कर लो, तो ये माइनस 2 और ये माइनस 41 अपॉन 25 प्लस माइनस प्लस, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, ठीक है, यूनियन माइनस 41 बाय 25 से इंफिनिटी, ठीक है, तो नोट कर. A belongs to minus infinity से minus 2 union minus 41 by 25 से infinity, ठीक है? Fourth case जो चौथा condition यहाँ से निकलेगा, b should be greater than or equal to 0. तो b square 4 minus 4 ac this should be greater than or equal to 0. 1 minus a minus 2 is greater than or equal to 0. माइनस ए माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ए प्लस वन शुड बी, ठीक है, अच्छा ठीक, हाँ, वन माइनस ए माइनस टू, तो माइनस ए माइनस वन ए प्लस वन, तो ए लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ से आ गया, ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन. नोट कर लो यहाँ पर, और फिर चारों का मुझे क्या लेना है? इंटरसेक्शन. तो नोट करो पहले, ठीक है, क्या आ गया? ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन, तो मिटा दें इसको, ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन, तो चारों का इंटरसेक्शन देखिए, ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 2, ठीक है, एक तो है माइनस इनफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 9 बाय 5, तो यहाँ कहीं होगा माइनस 1.8 है ना, माइनस 9 बाय 5 से इनफिनिटी, ये माइनस 2 से बड़ा मतलब इसके इधर, यहाँ क्या है? ए माइनस 1 से छोटा है ना, तो a माइनस 1 से छोटा मतलब यहाँ माइनस 1 और इससे छोटा ये, ठीक है, और चौथा है माइनस इनफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 41 बाय 25 मतलब 25 ये और इधर दो है ना, इसके इधर, ठीक है, तो चारों में कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो यहां से क्या है, इन चारों का इंटरसेक्शन से क्या है? यहां से नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू फाइव, ठीक है, ए कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर क्या है? तो ये बेसिकली किसको कह रहे हो? एस टू, ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है S1 यूनियन S2, S1 क्या है? माइनस 1 से इंफिनिटी, यूनियन कुछ भी नहीं, तो A बिलोंग्स टू A आ गया तुम्हारा फाइनल, ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो.
एक सेकंड, अगर कुछ मैंने गलती किया है उसको छुपा दो, है ना, तो चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या है। देखो कुछ वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन माइनस टू ये वैल्यू, ठीक है, अच्छा ये दोनों थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा गलती कर रहा है, ये माइनस नाइन बाई फाइव मतलब वन और फोर 1.8 है ना, तो ये कितना है माइनस 1.8 है, और ये कितना है तो माइनस वन और कितना आ जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 25 16 160 है ना, 160 मतलब 25 6 150, ठीक है क्या, तो माइनस 1.6 आ रहा है ना, क्या आ रहा है माइनस 1.6, तो 1.6 तो देखो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, देखिए सॉरी देखो फिर से करता हूँ, गलती हो गया ठीक है, इसलिए तो फिर से माफ करना, ये है जीरो, ये है माइनस वन, ये है माइनस टू और ये है माइनस नाइन बाय फाइव और ये है माइनस 41/25, ये इधर होगा तो मैं उधर माफ करूँ, इसलिए तो कॉमन नहीं है, एक बार ए माइनस टू से बड़ा मतलब इसके इधर, एक बार ए माइनस वन से छोटा मतलब इसके इधर, सॉरी माइनस वन भी हो सकता है, तो ये क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तो क्या बनाते हैं, माइनस इंफिनिटी से ओपन बना दो, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस 41/25 से इंफिनिटी, और चौथा है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस 9/5 मतलब यहाँ से इधर, तो कॉमन देख लो क्या है ना, तो कॉमन ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, कॉमन क्या है ये हिस्सा कॉमन, ठीक है, यहां से क्या है ए बिलोंग्स टू, देखो कॉमन ये नहीं है मतलब माइनस 41/25 नहीं है, तो ओपन आ गए यहां पे, ठीक है, और कहां तक माइनस वन, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, तो माइनस 41/25 से लेके माइनस ये आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोल दो एस टू, दिस इज बेसिकली एस टू, ठीक है, तो ध्यान से लेना यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, और फाइनल आंसर क्या है एस वन यूनियन एस टू, तो क्या हो जाएगा इसको नोट कर लो, है ना, हो गया होगा, तो मैं इसको निकाल देता हूँ सब, तो आंसर क्या होगा एस वन यूनियन एस टू, तो एस वन क्या है तो ए बिलोंग्स टू, एस वन है माइनस वन से इंफिनिटी यूनियन एस टू क्या है माइनस 41/25 से माइनस वन, ठीक है, तो ऐसे लिख दो इसको, इसको लिखो माइनस 41/25 से, अब देखो एक तो बोल रहा है कि माइनस 41/25 से माइनस वन और दूसरा बोल रहा है यहीं से इधर, है ना, मतलब क्या होगा ये पूरी वैल्यू जा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 41/25 से इनफिनिटी, ये हो गया फाइनल, ठीक है, तो ये तो सेट थ्योरी है, इंटरसेक्शन यूनियन वाला पार्ट तुम्हें देखना है, ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो डॉट करो नंबर लाइन पे, क्या होगा?
माइनस थ्री बाई टू है ना, ये हो गया माइनस थ्री बाई टू, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो लेस देन जीरो मतलब आंसर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसको बोल दो टू। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, नोट कर लो यहां पर, यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।